छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा में विधायक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में निकाली जा रही विकास यात्रा में मंगलवार को कलेक्टर संदीप जीआर और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा भी शामिल हुए। अधिकारियों ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए शासन की योजनाओं से अवगत कराया और बच्चों को शिक्षित बनाने की बात पर जोर दिया। ग्राम पंचायत ईशानगर में कलेक्टर संदीप जीआर और क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला ने विकास यात्रा में भाग लेकर लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र भी वितरित किए। हम प्रयास करेंगे, वो कलेक्टर साहब से आग्रह करेंगे कि अधिकारियों को आप भी ऐसे निर्देश दें कि इन गरीबों ने जो आवेदन दिए हैं उनका बिल्कुल पूरी तरह से पालन हो, उनको शासन की जो भी योजनाएं हैं उन तक पहुंचे, ऐसा हमें उनसे आग्रह है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह का हमेशा मन रहता है कि गांव के हर गरीब को आज एक योजना निकाली, बहना योजना। अभी लाडली लक्ष्मी के हम लोग प्रमाण पत्र बांट रहे थे, बहना योजना की स्कीम निकाली। कल ही हम सुन रहे थे 8 मार्च से उसके आवेदन लिए जाएंगे और अप्रैल से संभवतः हर महिला और बहना, शिवराज जी की बहना और सब महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए आएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक मुद्दा है। अच्छा ये बताइए, अपने यहाँ पे जैसे परमिट का इश्यू आता है, विधायक जी भी अभी बता रहे थे कि किसी का परमिट बनना है, बीपीएल जो है, हमें देखिए पंचायत में अब एक चीज जरूर करी है, आप एक पंचायत में एक पेटी लगा दो, सचिव कौन है, एक पेटी लगा दो। आपको जिन जिन का लग रहा है कि इनको पात्रता नहीं है उनका नाम गुमनाम तरीके से आके आप उसमें डाल दीजिएगा, हम उसको जांच करा लेंगे। और ये भी डाल दीजिएगा कि कौन वो अंतिम पंक्ति की व्यक्ति है जिसको मिलना था और आपको लग रहा है नहीं मिला, तो उन उन पर्चियों को आप एक डब्बा आप अभी आज ही खोल दीजिएगा।